सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन किया गया है और उसका कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। तो फर्स्टली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखने के पहले हम लोग माइनर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लेट ए बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, कोई भी एक हम लोग ए मैट्रिक्स ले रहे हैं एम बाय एन ऑर्डर का, और फ्रॉम द मैट्रिक्स ए इफ यू सेलेक्ट एनी आर रोज एंड आर कॉलम्स देन योर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज ऑब्टेंड। हम लोग ए मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, आर रो सेलेक्ट कर रहे हैं और आर कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक हम लोग को आर बाय आर ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर। इसका जो भी वैल्यू होगा, इसके डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू होगा, उसी को हम लोग माइनर ऑफ ए कहते हैं ऑफ ऑर्डर आर। जरा इसको एक एग्जांपल से समझिए, तो एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाएगा। एक हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ रो और कुछ कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो टू रोज एंड टू कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए ये लास्ट कॉलम को छोड़ रहे हैं और सेकेंड लास्ट कॉलम को भी छोड़ देते हैं और लास्ट रो को छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम लोग दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए और दो रो सेलेक्ट कर लिए। इस 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बना लीजिए इससे। तो देखिए ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बन गया। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग कहते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए ये माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ये डिटरमिनेंट ही हो जाएगा और इसका वैल्यू आप निकालिएगा 1 × 1 − 2 × 2 यानी कि 1 − 4 यानी कि ये −3 आ रहा है। तो −3 जो है वो एक माइनर का वैल्यू हो गया, −3 एक माइनर हो गया ऑर्डर 2 का, क्योंकि हम लोग यहाँ दो रो सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग टू रोज एंड टू कॉलम्स है, इसीलिए इसको माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कहेंगे। आप माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं माइनर। तो थर्ड ऑर्डर का देखिए, थर्ड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग किसी एक कॉलम को छोड़ देते हैं, चाहे फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड, थर्ड, हम लोग फोर्थ कॉलम को ही छोड़ रहे हैं। फोर्थ कॉलम को छोड़ने के बाद तीन रोज हो जाएगा यहाँ पर और तीन कॉलम हो जाएगा, इससे एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है, इस डिटरमिनेंट को ही कहेंगे माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर, इस डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू होगा वही होगा। तो देखिए इसका क्या वैल्यू आएगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू, आप इस डिटरमिनेंट को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है −12, तो थर्ड ऑर्डर का माइनर हो गया −12। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ थर्ड ऑर्डर का यही माइनर होगा, इसके अलावा दूसरा भी माइनर मिल सकता है। तो माइनर क्या होगा, मान लीजिए हम लोग इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो जो उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर का माइनर बचेगा, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा, उसी को हम लोग थर्ड ऑर्डर का माइनर कहेंगे। या फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ सकते हैं या सेकेंड कॉलम को भी छोड़ सकते हैं, किसी भी एक कॉलम को छोड़ दीजिएगा तो उससे माइनर बन जाएगा। तो कई एक माइनर बन सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी कई एक माइनर बन सकता है। तो ये हो गया माइनर। अब हम लोग देखते हैं कि, तो फ्रेंड्स देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स ए इज सेट टू हैव रैंक आर। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, उसका रैंक आर कहलाएगा इफ ए हैज एटलीस्ट 1 non-zero माइनर ऑफ ऑर्डर आर। एक नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए ऑर्डर आर का, आरएथ ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर मिल जाना चाहिए
माइनर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और एवरी दूसरा कंडीशन है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज जीरो। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर कहेंगे तब कहेंगे जब आरथ ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिलना चाहिए जिसका वैल्यू क्या होगा नन जीरो, और साथ में कोई भी अगर आर प्लस वन ऑर्डर का माइनर मिलता है तो उस सभी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स का रैंक आर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट करते हैं रो ऑफ ए, रो ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल है। तो ये हुआ नन जीरो मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन किया गया है। अगर जीरो मैट्रिक्स हो तो जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का रैंक जो है वो जीरो हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज डिफाइंड एज जीरो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यानी कि ये पूरा रो पूरा कॉलम सभी लेना पड़ेगा, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा ये जीरो आ जाएगा। तो इस थर्ड ऑर्डर का माइनर जो है उसका वैल्यू जीरो आ रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर का माइनर हम लोग निकालते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालने के लिए कोई भी एक कॉलम और एक रो छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग लास्ट कॉलम छोड़ देते हैं और लास्ट रो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर बची है, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनर को। तो बट ये माइनर ऑफ ऑर्डर टू, एक माइनर हम लोग निकाले यहाँ पर, ये इसका वैल्यू निकालिएगा 1 × 3 यानी कि 3 − 2 × 2 = 4, ये -1 आया यानी कि ये नन जीरो है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर हम लोग को मिल गया और ये सेकेंड ऑर्डर का माइनर जो है वो नन जीरो है, और उससे अधिक ऑर्डर का जो माइनर निकाले ये थर्ड ऑर्डर का माइनर है, थर्ड ऑर्डर का माइनर जो है वो जीरो आ गया। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 होगा। क्यों 2 हुआ, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का माइनर जो है वो नन जीरो आया है और उससे अधिक ऑर्डर का माइनर जो है वो जीरो आ गया। तो यहाँ पर डिफिनेशन में यही कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर को आर कहेंगे, अगर आरथ ऑर्डर का एक नन जीरो माइनर मिलना चाहिए आरथ ऑर्डर का, और उससे अधिक ऑर्डर का माइनर जो है वो क्या होगा जीरो होगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो जितना भी माइनर है आर प्लस वन ऑर्डर का सब जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर का माइनर जो है वो नन जीरो है, और उससे अधिक ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का माइनर मिल सकता है, फोर्थ ऑर्डर का नहीं मिलेगा, तो थर्ड ऑर्डर का माइनर जो है वो जीरो हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, आप देखिए इस मैट्रिक्स को, ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हम लोग सबसे पहले फोर्थ ऑर्डर का माइनर निकालते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर का माइनर मतलब चारों रो ले लेना है, चारों कॉलम ले लेना है। तो इस पूरे से पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, आप देख रहे हैं फर्स्ट रो 1AB जीरो है और थर्ड रो भी 1AB जीरो है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऐसे सेकेंड रो और फोर्थ रो भी आइडेंटिकल है, उसके कारण भी आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कह सकते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर का एक माइनर निकाल लिया, उसका वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गया। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या करते हैं, लास्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, लास्ट रो को छोड़ देते हैं, लास्ट कॉलम और लास्ट रो को छोड़ने के बाद 1AB बच रहा है, 0CD 1AB, तो यहाँ पर भी यही लिखे हुए हम लोग, इसका भी वैल्यू जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो जो थर्ड रो है वो आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो आएगा। आप इसके बाद माइनर थर्ड ऑर्डर का माइनर कई एक बन सकता है, तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को छोड़ने के बाद जो है थर्ड ऑर्डर का जो माइनर बनेगा वो जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि इसमें दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर जीरो बिकॉज आइदर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, निश्चित रूप से ये होगा ही। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर का तो माइनर जीरो आ गया, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालते हैं, नाउ ये माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालने के लिए आप ऐसा कीजिए, इस रो को छोड़ देते हैं और लास्ट रो को छोड़ देते हैं, सॉरी लास्ट दोनों रो को छोड़ देते हैं और
ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं, तो आप इसको इसको छोड़ दीजिएगा, इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, तो 1001 बचेगा। तो इसका माइनस, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 1 - 0 मतलब 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, तो ये नन जीरो आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो नन जीरो है, थर्ड ऑर्डर का जितना भी माइनर है सब जीरो है, फोर्थ ऑर्डर का भी माइनर जीरो है। तो यहाँ पर एक सेकेंड ऑर्डर का ही नन जीरो माइनर मिला, जिस और बाकी जितना भी इसके ऊपर वाला ऑर्डर का माइनर है वो सब जीरो मिल रहा है। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। जिस ऑर्डर का माइनर नन जीरो होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, लेकिन कंडीशन है कि उससे ऊपर जितना भी ऑर्डर का माइनर होगा वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाए तो जो नन जीरो ऑर्डर का माइनर है उसके ऑर्डर को ही हम लोग कहते हैं रैंक। तो ये फ्रेंड्स रैंक हो गया मैट्रिक्स का। और इसी तरीके से मैं कुछ और भी वीडियो मैट्रिक्स पर बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो रैंक के बारे में मैं बताया हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।